लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी बी 5 एंड 2। सबसे पहले ये क्वेश्चन जेई मेन 8 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। आप PYQs देखोगे, बुक्स आती है उसमें है ये क्वेश्चन। तो आइए समझते हैं। तो और भी एग्जाम्स जो होते हैं हमारे आईपी मैट आई एम इंदौर, जिसमें 11th 12th का मैथ्स आता है, कई एग्जाम्स रहते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, लेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड बी 5 एंड 2। तो सेट ए में कितने एलिमेंट है बेटा? 5। तो मैं कह देता हूं A1 A2। समझ रहे हो मेरी बात? A3। मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया सेट बी के साथ, जिसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 2। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने से एक नया सेट बनता है, ए क्रॉस बी, याद है? उसमें ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं, जैसे A1 B1 बनेगा। समझ रहे हो? के लिए कहां तक जाएगा? 10th एलिमेंट जो होगा वो A5 B2 हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? A1 B1 से भी होगा, फिर A1 B2 से होगा, है ना, फिर A2 B1 A2 B2, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। तो A क्रॉस B भी एक सेट है, और इस सेट में एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। यहाँ पे कितने एलिमेंट है बच्चों? 10 एलिमेंट्स। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया टोटल सबसेट कितने हैं इसके, तो आप क्या बोलोगे? 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 होता है 1024। टोटल सबसेट 1024 है, लेकिन वो 2 की पावर n फॉर्मूला डिराइव कहां से होता है? आज मैंने करवाया भी, आपको दोबारा बता देता हूं जो बच्चे लेट आए हैं। अगर आप इन n एलिमेंट्स में से, यहां तो चलो 10 एलिमेंट है, एक भी सेलेक्ट ना करो तो NC0। जितने भी एलिमेंट होंगे n है तो NC0। फिर ये NC1, एक एक एलिमेंट भी सेलेक्ट हो सकता है टिल NCN तक। और इसकी डेरिवेशन क्या होती है बच्चों? 2 रेस टू पावर n। इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों? 2 रेस टू पावर। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। हमें तो क्या चाहिए? हमें वो सबसेट चाहिए जिसमें कम से कम 3 एलिमेंट हो और ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट हो, और n की वैल्यू क्या है? 10। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सेट बना, इसमें कितने एलिमेंट है बच्चों? 10। तो NC0 नहीं लूंगा मैं, क्योंकि कम से कम 3 एलिमेंट तो होने चाहिए। मतलब मेरा जो स्टार्ट होगा प्रोसेस वो कहां से स्टार्ट होगा बच्चों? NC3 भी होगा, NC4 भी होगा, NC5 भी होगा, और NC6 भी होगा। बस अब इसको सॉल्व करके ऐड करना है। अब टेन सी थ्री मैंने ट्रिक भी बताई हुई है। वैसे तो NCR का फॉर्मूला 11th क्लास की बुक में क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन मैंने कॉम्पिटेटिव ट्रिक बताई हुई है बच्चों, टेन सी थ्री है तो 10 को पकड़ के 3 काउंटिंग लिखो, 10 × 9 × 8। नीचे 3 को 1 तक ले जाओ, 3 × 2 × 1, तो ये 120 आ गया बेटा। सॉल्व करके देखो, 6 120 ये आ गया। NC4 सॉल्व करो बच्चों, एक बार और NC4 सॉल्व कर लो बच्चों। NC4 आएगा 10 × 9 × 8 × 7, फोर्थ काउंटिंग तक जाएगा अकॉर्डिंग टू माई ट्रिक। नीचे 4 × 3 × 2 × 1, तो प्यारे बच्चों ये क्या आएगा? ये 6 × 15 90 होता है, 210। वेरी गुड। ये किसने कहा था अभी? रोनित ने। 210 ये हो गया। अब बच्चों, 10C6 और 10C4 और 10C6 एक ही बात होती है, क्योंकि मैंने बताया ना जब मैंने परमुटेशन की क्लास ली थी, तो NCR इज इक्वल टू NCn-R। तो 10C4 की जो वैल्यू होगी वो 10C6 की भी होगी, तो उसको सॉल्व करने की जरूरत है 10C6 को? नहीं, वो भी 210 आएगा। अब मेन रहेगा 10C5। ठीक तो 10C5 सॉल्व करते हैं बच्चों। एक बच्चा कह रहा है रोनित 252, और मेधावी बोल रही है 252। देखते हैं 10C5। 10 × 9 × 8 × 7 × 6, मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग ये 5 काउंटिंग तक ऊपर लिखा, और नीचे 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 2 2 3, फिर 2 कट भी कर दिया, तो कितना आया बेटा? 6।
42 × 6, 42 × 6 क्या होता है, 252। चलो अब इसको ऐड करना शुरू करते हैं और देखते हैं फाइनल आंसर क्या आ रहा है। एक का 120 आया था, अगले का क्या आया था 210, और 10c5 क्या आया था बच्चों, अभी अभी सॉल्व किया था 252, और 10c6 210 ही आने वाला है। इनको ऐड करके देखो क्या आ रहा है, 792। देखो सी ऑप्शन है, तो ये जेई का क्वेश्चन है। कैसा लगा ये जेई का क्वेश्चन, इजी लगा टफ लगा? समझाने के बाद तो इजी है ना।